हेलो एवरीबॉडी एंड वेलकम टू मेजर कल्ची क्लासेस। आज का ये वीडियो है इंडियन कोस्ट गार्ड की जो असिस्टेंट कमांडेंट की नोटिफिकेशन आई है उसके बारे में। यूँ तो ये नोटिफिकेशन संडे को आ गई थी, 18 नवंबर को ही आ गई थी, लेकिन थोड़ा बिजी चल रहे थे हम लोग। CDS का एग्ज़ाम हुआ और उसके बाद MNS का भी फॉर्म आ रखा है, कई सारे फॉर्म आ रखे हैं, उस चक्कर में थोड़ा ये वीडियो बनाने में लेट हो गया। लेकिन कुछ क्वेश्चंस आ रहे हैं, कुछ डाउट्स आ रहे हैं बच्चों के कि क्या इस बार 12th क्लास जो पास कर चुके हैं बच्चे वो भी अप्लाई कर सकते हैं। तो थोड़ा सा क्लैरिफिकेशन देखेंगे इसमें, थोड़ा सा जानते हैं एग्जैक्टली क्या क्राइटेरिया है, क्या क्वालिफिकेशन है, एलिजिबिलिटी है। तो हमेशा की तरह इसका हम नोटिफिकेशन डाउनलोड करने के लिए या फिर अप्लाई करने के लिए जाएंगे इंडियन कोस्ट गार्ड की ऑफिशियल वेबसाइट पे, जो कि है www.joinindiancoastguard.gov.in। और इस वेबसाइट पे जैसा कि हम जानते हैं कि ये जो न्यू इवेंट्स का जो टैब है ये सेंटर पे आपको दिख रहा है, यहीं पे आपको असिस्टेंट कमांडेंट की जो एडवर्टिजमेंट है यहाँ पे जब आप क्लिक करेंगे तो PDF डाउनलोड होके आ जाएगी। और ऊपर जो ये लिंक दिया हुआ है यहाँ क्लिक करके आप अप्लाई कर सकते हैं। मैंने PDF इसकी ऑलरेडी डाउनलोड करके रखी हुई है, तो सबसे पहले हम इसकी PDF देखते हैं। तो असिस्टेंट कमांडेंट ऑफिसर रैंक की जो एंट्री होती है इंडियन कोस्ट गार्ड में उसका फॉर्म है ये। जैसा कि हम जानते हैं नॉन ऑफिसर रैंक के लिए ये लोग इंडिया नाविक, GD, यांत्रिक और डोमेस्टिक ब्रांच की नोटिफिकेशन निकालते हैं, लेकिन अगर हम ऑफिसर रैंक की बात करें, असिस्टेंट कमांडेंट की बात करें, तो साल में 2 बार फॉर्म आता है इसका। और अभी ये जो फॉर्म आ रखा है इसमें अगर हम एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन की बात करें तो ग्रेजुएट्स ही इसमें अप्लाई कर सकते हैं। और इसमें इस बार 4 इन्होंने जो सेक्शंस दिए हैं, 4 जो वैकेंसीज़ हैं, सबसे पहले जनरल ड्यूटी, दूसरी है जनरल ड्यूटी SSA, ये जो SSA है दिस इज़ शॉर्ट सर्विस अपॉइंटमेंट, जिसमें 8 साल की सर्विस होती है और जो एक्सटेंड हो सकती है 2 साल से, तो वो बन जाएगा 10 ईयर्स, अप टू 10 ईयर्स। और बाद में एक जो फाइनल एक्सटेंशन होता है वो होता है बाई 4 ईयर्स। तो शॉर्ट सर्विस अपॉइंटमेंट में मैक्सिमम 14 ईयर्स की सर्विस होती है। और जो दूसरा नॉर्मल जनरल ड्यूटी है इसमें आप रिटायरमेंट तक जॉब करते हैं इंडियन कोस्ट गार्ड में। तो जनरल ड्यूटी या तो आप नॉर्मल ज्वाइन करेंगे परमानेंट या तो करेंगे शॉर्ट सर्विस। और तीसरा जो है कमर्शियल पायलट और चौथा लॉ। अभी कमर्शियल पायलट में जो इन्होंने क्वालिफ़िकेशन लिखी है 12th पास चाहिए फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स से, तो कुछ बच्चे कंफ्यूज हो रहे हैं कि अगर हमने 12th पास कर लिया है तो हम इसके लिए एलिजिबल हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं है, ये उनके लिए है जिनके पास कमर्शियल पायलट का लाइसेंस है। और कमर्शियल पायलट का लाइसेंस लेना ना ही सिर्फ महंगा, बाकी काफ़ी लंबा प्रोसीजर है इसका। तो आपको सबसे पहले कोई एविएशन कॉलेज ज्वाइन करना पड़ेगा और इसकी नॉर्मली जो फ़ीस होती है वो 20 लाख 25 लाख 30 लाख होती है। इनका 6 महीने या 1 साल का कोर्स होता है, इसमें आपको ये फ्लाइंग सिखाते हैं। और ये आप जब वहाँ से ट्रेनिंग ले लेंगे, ट्रेनिंग लेने के बाद आपको सर्टेन नंबर ऑफ आवर्स का एक्सपीरियंस चाहिए, मतलब फ्लाइंग का एक्सपीरियंस कि आपने इतने घंटे फ्लाइंग की हो, तभी आप इसके लाइसेंस के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो अगेन इसका जो लाइसेंस है ये नॉर्मल जो अदर व्हीकल्स के लाइसेंस है उसे बहुत डिफ़िकल्ट है इसको ऑप्टेन करना। इसका जो एप्लीकेशन प्रोसेस है काफ़ी लंबा प्रोसेस है उसका। तो लेकिन ये टू क्लैरिफाई 12th क्लास के जो बच्चे हैं जो पास कर चुके हैं उनके लिए बिल्कुल नहीं है, ये है उनके लिए जिन्होंने कमर्शियल पायलट का लाइसेंस ले रखा है। और तो बाकी इसमें ग्रेजुएशन ही चाहिए, 60% मार्क्स चाहिए ग्रेजुएशन में। और लॉ का जो है, लॉ में आपने ऑब्वियसली LLB किया हो किसी रिकग्नाइज यूनिवर्सिटी से। तो ये इसकी मोटी मोटी क्वालिफिकेशन थी। जो डेट ऑफ बर्थ है ब्रैकेट है PDF में, आप लोग डाउनलोड कर लीजिए, आप चेक करिए आपका जो डेट ऑफ बर्थ है इस ब्रैकेट में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। और हमेशा की तरह इंडियन कोस्ट गार्ड में इस बार भी OBC SC ST के लिए रिलैक्सेशन है, चाहे वो मार्क्स में हो, एजुकेशनल जो आपके मार्क्स हैं ग्रेजुएशन में, चाहे वो आपकी एज हो, तो 5% का इसमें रिलैक्सेशन है आपके मार्क्स में। और एज में भी अप टू 5 ईयर्स रिलैक्सेशन है SC ST कैंडिडेट्स के लिए और अप टू 3 ईयर्स का है OBC स्टूडेंट्स के लिए। तो इसका फॉर्म भरा जा रहा है इस वक्त, फॉर्म भरने की लास्ट डेट है 30 नवंबर। आप को मैं लिंक दिखाऊंगा जहां से आपको फॉर्म भरना है, वहां जाके आप फॉर्म भर सकते हैं इसका। और इसका सिलेक्शन का प्रोसेस जैसा कि हम जानते हैं एज सच कोई रिटन एग्ज़ाम नहीं होता इसका, इसका 2 स्टेज का प्रोसेस है सिलेक्शन का प्रोसेस। तो सबसे पहले तो इसमें शॉर्ट लिस्टिंग होती है, जो बच्चे फॉर्म भरते हैं सबको एडमिट कार्ड आए ऐसा ज़रूरी नहीं है। 60% इन्होंने ग्रेजुएशन में मांगा है, लेकिन इसका अलग अलग स्टेट्स का अलग अलग कट ऑफ बनता है। तो वैसे तो मैक्सिमम स्टेट्स में
62, 64, लेकिन कई जगहों पे अप टू 65, 68 भी जाता है कट ऑफ। कट ऑफ वेरी करता है, हर साल वेरी करता है, तो लेकिन अलग अलग स्टेट्स का अलग अलग होता है कट ऑफ। तो जब आपको एडमिट कार्ड आ जाएगा, पहले आपको प्रेलिमिनरी टेस्ट का एडमिट कार्ड आएगा, और प्रेलिमिनरी टेस्ट जो होता है इसका, इसमें एज सच कोई एक सिंगल पेपर नहीं है, इसमें तीन अलग अलग टेस्ट होते हैं प्रेलिमिनरी टेस्ट में, जिसमें सबसे पहले होता है आपका मेंटल एबिलिटी टेस्ट, और उसके बाद कॉग्निटिव एप्टीट्यूड टेस्ट, और तीसरा होगा पिक्चर परसेप्शन एंड डिस्कशन टेस्ट। तो काफ़ी जो इंडियन आर्मी का जो SSB का प्रोसेस है उससे मिलता जुलता प्रोसेस है, हालांकि SSB एक बार में होता है, 5 डेज़ का प्रोसेस। इन्होंने उसको दो पार्ट्स में डिवाइड किया है, प्रेलिमिनरी और फाइनल सिलेक्शन बोर्ड कहते हैं ये लोग, FSB कहते हैं उसे। तो आपका जब क्लियर करेंगे आप प्रेलिमिनरी सिलेक्शन, उसके बाद आपको फाइनल सिलेक्शन बोर्ड की तरफ से कॉल आएगा फाइनल सिलेक्शन प्रोसेस के लिए। और जो FSB का प्रोसेस है उसमें दो मेन टेस्ट हैं, एक तो आपका साइकोलॉजिकल टेस्ट होगा, और जो दूसरा जो होता है उसमें पर्सनैलिटी ग्रुप टास्क होते हैं, कुछ ग्रुप टास्क होंगे, और इंटरव्यू मेन होगा, एक पर्सनल इंटरव्यू जो SSB में नॉर्मली होता है आर्मी के, वैसा ही कुछ माहौल रहेगा यहाँ पे। और फाइनल सिलेक्शन आपका जो प्रोसेस जाएगा, उसके बाद एक फाइनल मेरिट लिस्ट इशू होती है। तो वंस अगेन 30th November इज़ द लास्ट डेट टू फिल द फॉर्म, आप जल्द से जल्द फॉर्म भर दीजिए, ये PDF डाउनलोड कर लीजिए, इसमें सारी इन्फॉर्मेशन है, जो बेसिक थोड़ा मेडिकल या फिजिकल स्टैंडर्ड है उसकी इन्फॉर्मेशन, टैटू के बारे में अच्छे से जानते हैं कि भाई टैटू डिफेंस में अलाउड नहीं है, बस आपके इनर आर्म में हो या पाम के बैक में हो, इतना ही अलाउड रहता है। और जहाँ तक हम इसका फॉर्म भरने का पेज देख लेते हैं, तो आप जब इस लिंक पर क्लिक करेंगे तो ये पेज नेक्स्ट खुल के आएगा, यहाँ पे आप सिलेक्ट करेंगे असिस्टेंट कमांडेंट जनरल ड्यूटी, एक ही यहाँ पे है, और आई एग्री पे क्लिक करेंगे, और आपकी सारी इन्फॉर्मेशन बेसिक आधार कार्ड नंबर से लेके आपका नेम और एजुकेशनल जो भी आपके मार्क्स वगैरह हैं सब आप यहाँ पे फिल करके सबमिट करेंगे, और सबमिट करने के बाद आपको रजिस्ट्रेशन नंबर मिलेगा। रजिस्ट्रेशन नंबर आप ध्यान से रखिए, बिकॉज वही आप यूज़ करेंगे एडमिट कार्ड डाउनलोड करने के लिए। यूँ तो एडमिट कार्ड आपका डाउनलोड हो जाता है ईमेल एड्रेस यूज़ करके भी, बट इट्स बेटर टू कीप योर रजिस्ट्रेशन नंबर एज वेल। सो दैट वॉज इट, दिस वॉज जस्ट सम बेसिक इन्फॉर्मेशन अबाउट दिस न्यू नोटिफिकेशन बाई आवर इंडियन कोस्ट गार्ड। तो आप लोग फॉर्म भर दीजिए, कोई डाउट्स हैं तो आप बिल्कुल नीचे कमेंट्स में मेंशन कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।